हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का दिन है बहुत बढ़िया। आज है सैटरडे और आज मेरी, सुमन की, सिद्धार्थ की और इंचू की सबकी छुट्टी है, तो हम सारे आज घर पे ही हैं। और सुबह उठते ही सबसे पहले क्या हुआ, अब वैसे तो हम उठे काफ़ी लेट हैं, अभी टाइम हो रहा है 10 बजे का, 9:30 बजे उठे हैं। और उठते ही सुमन तो लगी है रोटी बनाने के लिए। सबसे पहला काम इसका आज का ये था कि सबसे पहले रोटी बनाने लग जाऊँ, और मेरे लिए बन रहे हैं मूली के परौंठे। ये सिद्धार्थ सुबह सुबह उठ के अपनी क्लास लगाने के लिए बैठा था, लेकिन क्लास तो लगाई नहीं, टीवी चला के बैठ गया और मैजिक कार के ऊपर बैठ के रोटी खा रहा है। और वो गुड मॉर्निंग इचू, आज क्या प्लान है? तो आज हमारा प्लान है कहीं घूमने जाने का, क्योंकि आज हमारी है छुट्टी। तो सुमन की एक फ्रेंड आ रही है चंडीगढ़ से, तो उसकी फैमिली के साथ आज घूमने जाएंगे। जा रहे हैं आज एक नई जगह पे, एक नई जगह बनी है तो आपको वहीं जाके दिखाते हैं कि कैसी जगह है वो और कौन सी जगह में हम जा रहे हैं। तब तक ये सुमन पराठे बना देती है और पराठे खा के रेडी हो जाते हैं खा पी के, क्योंकि ऑलरेडी 10 बज चुके हैं, 11 होने में कम से कम हमें 11-12 बज जाएंगे इजीली। सैंडविच का प्लान था सुबह सुबह आज कि सैंडविच खाने हैं, ब्रेड वाला आया भी था लेकिन हम उठ ही नहीं पाए ब्रेड वाले के टाइम पे, तो सैंडविच का प्लान अभी पोस्टपोन हो गया है, तो शाम को खाएंगे सैंडविच। सो फ्रेंड्स, फाइनली मेरे जो है मूली के परौंठे आ चुके हैं और पूरे घी में लखपत करके लाई है, और बस मैं इसको खा रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ। स्टफिंग बढ़िया हो रखी है मूली की, तो मूली का सीजन आ गया है ना, तो अब ये मूली के परौंठे लेंगे। हमारा वो मक्की का आटा खत्म हो रखा है, इसलिए हम मक्की के आटे में बना रहे, नहीं तो ये मोस्टली मक्की के आटे में मूली के परौंठे। फ्रेंड्स, मैं तो हो गया हूँ रेडी जाने के लिए, और सुमन हो रही है रेडी, सिद्धार्थ भी रेडी हो चुका है, मैंने पैसे भी ले लिए इसने अपने पॉकेट में, नहीं गए, और ये रेडी हो चुका है, फोन भी ले लिया, फोन रख दे सिद्धार्थ, फोन लेके जाएंगे। और सुमन रेडी हो रही है, देखते हैं, पूछते हैं सुमन से कि रेडी हो गई है कि नहीं हो रही है। ये देखो इच्छू को, इच्छू भी रेडी है, रेडी है इच्छू चलने के लिए? तो ये तो रेडी है ही है, और सुमन हो रही है बस रेडी, हो गई है रेडी, तो सुमन भी बस रेडी हो गई है, बाल बाल ही है। और हमारे घर में ना यहाँ पे देखो, ये जब भी हमने कहीं जाना होता ना हमारे घर में ऐसे कपड़ों का ना वो ढेर लग जाता है, सब अपने अपने कपड़े छांटते हैं कि कौन से कपड़े डाल लो, कौन से कपड़े डाल लो। और बच्चों के कपड़े तो ऐसे है ना कि इच्छू तो इतने कपड़े चेंज करती है ना, इसको चार चार पांच पांच तो ड्रेसेस डालनी पड़ती है, तब जाके इसकी सिलेक्शन होती है कि मैं ये चीज़ डाल लूंगी। तो हो जाए यार रेडी, चलते हैं फिर। चलो भाई मिलते हैं आपको डेस्टिनेशन पे, जा रहे हैं कहाँ पे जा रहे हैं इच्छू? हम टॉर्टोइस का डेट में जा रहे हैं। क्या चीज? टॉर्टोइस। ये देखें टॉर्टोइस, सिद्धार्थ पहली गाड़ी के अंदर। फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं सुखना लेक चंडीगढ़, और जा रहे हैं यहाँ से बर्ड सेंचुरी जो नई बनी है वहाँ पे, और सिद्धार्थ है हमारे साथ, सुमन और हम सारे इकट्ठे हैं। बस अभी जा रहे हैं और जाके देखते हैं, वहाँ पे जाके दिखाएंगे आपको कि कैसी है बर्ड सेंचुरी। फिलहाल अभी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और चंडीगढ़ में पुलिस भी बहुत ज़्यादा होती है, तो फिलहाल अभी इसको होल्ड करते हैं और आगे जगह मिलते हैं आपसे, आगे दिखाते हैं आपको बर्ड सेंचुरी। तो गाइस, ये है चंडीगढ़ की न्यू बर्ड सेंचुरी, जो कि नया यहाँ पे बर्ड पार्क बना है, और ये जस्ट लेक से साथ में ही है। इस साइड पे अगर आप देखोगे तो ये लेक का रास्ता है, तो आगे जाके उधर लेक है, और इसके जस्ट लेफ्ट साइड पे ये रास्ता जाता है बर्ड सेंचुरी को। तो यहाँ पे आपको गाड़ी अलाउड नहीं है, और गाड़ी अगर आपको पार्किंग करके पैदल ही आना पड़ेगा यहाँ से, और ये सब लोग जो है ये बर्ड पार्क से ही आ रहे हैं। तो चलते हैं बर्ड पार्क, और ये देख लीजिए बर्ड पार्क का लोगो, ये है चंडीगढ़ बर्ड पार्क का लोगो, और यहाँ से हम जा रहे हैं लेफ्ट साइड पे इस रास्ते से होते हुए। तो ये है बर्ड पार्क का रास्ता, काफ़ी पीसफुल सा एनवायरनमेंट है, और जो शोर शराबा है वो हमारे पीछे रह गए, और सारी गाड़ियाँ वगैरह उसी साइड पे चल रही हैं, और इधर कोई गाड़ी अलाउड नहीं है, इवन बाइक भी अलाउड नहीं है। तो चलते हैं बर्ड पार्क, दिखाते हैं आपको कैसा है बर्ड पार्क, मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। तो मैंने भी नहीं देखा अभी तक, मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ आज, और सुमन और बच्चों को मैंने पहले यहाँ ड्रॉप कर दिया था कि पैदल आना पड़ेगा, नहीं तो काफ़ी पार्किंग से दूर है ये थोड़ा सा। तो अगर आप लोग भी अपने फैमिली के साथ आ रहे हो, अपने बच्चों के साथ आ रहे हो, तो अपने फैमिली को पहले आप ड्रॉप करके और आप फिर बाद में पार्किंग करके आ सकते हो, ताकि थोड़ा सा डिस्टेंस है यहाँ से, पैदल जाने का रास्ता है थोड़ा, तो इसलिए वो आपका बच जाएगा। और अगर आपके साथ कोई बुज़ुर्ग हैं वो तो फिर ज़्यादा परेशान होंगे, इससे बेटर है कि आप उनको पहले ड्रॉप कर दो और फिर बाद में अपनी गाड़ी पार्क करके आ जाओ। ये देख लीजिए, हर जगह पे अलग अलग टाइप्स के बर्ड की फ़ोटोज़ लगाई हुई हैं, और ये सब लोग वहीं से आ रहे हैं। तो 4 बजे बंद हो जाता है ये, जो मुझे बताया गया है कि 4 बजे बर्ड पार्क बंद हो जाता है, और पर हेड जो उसकी टिकट है 50 रुपीज़ है,
बाकी चलते हैं काउंटर पे, वहीं दिखाते हैं आपको इसका रेट लिस्ट चार्ट। तो गाइज ये है बर्ड पार्क की एंट्रेंस, और यहाँ से जैसा हमें लेफ्ट टर्न करना है, और इसके राइट साइड पे यहाँ पे पार्किंग एरिया है, लेकिन पार्किंग जो है अलाउड नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ कि रश ज़्यादा हो जाएगा, और चंडीगढ़ में आपको पता है कि टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा आते हैं। आप एक तो संभाल में ले आता हूँ। तो ये है यहाँ की एंट्रेंस, गेट से एंटर करके इस तरफ आना है आपको, और ये यहाँ पे एक छोटा गार्डन एरिया है घूमने के लिए, सिटी फॉरेस्ट। तो ये है यहाँ का गार्डन एरिया, तो यहाँ पे आप टाइम स्पेंड कर सकते हो फैमिली के साथ। मैं भी फैमिली ढूंढ रहा हूँ अपनी। अगर आप नहीं जगह लेते तो कोई और बैठ जाएगा। तो गाइज ये है यहाँ का मैप, और मैं अभी चला गया था लेफ्ट साइड पे, तो वहाँ से आगे से बंद है, तो अब मैं वापस आया हूँ, तो आप ज़्यादा आगे मत जाना, यहीं से राइट ले लेना सीधा। तो यहाँ से चलते हैं आगे बर्ड पार्क की तरफ राइट साइड पे, और आगे आ रहे हैं हमारे फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स घूमते हुए। तो ये पब्लिक काफ़ी सारी घूम रही है यहाँ पे, तो अलग अलग जगह से लोग घूमने के लिए आए हुए हैं, तो सब लोग अपने फैमिली बच्चों के साथ आए हैं, आप लोग भी अगर आना चाहो तो आ सकते हो, और अगर अपनी मम्मी को साथ में लेके आना है ना, अगर मम्मी को साथ में लेके आना तो पार्किंग से पहले यहाँ पे उतार देना, नहीं तो बहुत दूर पैदल लेके आना पड़ेगा आपको। तो चलो भाई मिलते हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स से, फिर कराते हैं आगे कंटिन्यू। ये गाइस कुछ काइंड ऑफ वाटिका टाइप ही है, और यहाँ पे इस टाइप से कुछ जिसको प्लांट का शौक हो तो वो यहाँ पे आके देख सकते हो। ये सिद्धार्थ यहाँ पे पिक्चर करवा रहा है अपनी, मजा आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? कुछ नहीं है, थोड़ा उसको हाथ मत लगा। तो ये है गाइस नक्षत्रा वाटिका, और अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स हैं यहाँ पर भी, और ये है इसकी एंट्रेंस। तो चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं कि क्या है इसके अंदर खास। तो ये अलग अलग टाइप के प्लांट्स लगे हुए हैं यहाँ पर, और अंदर से ये कुछ इस टाइप से है। बाहर आओ। तो ये मतलब काफ़ी अच्छा ये गोल चक्कर सा बना रखा है, और गोल चक्कर के अंदर ऐसे अलग अलग पोर्शंस हैं अलग अलग टाइप के प्लांट्स के लिए, तो ये सारे नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे कौन से प्लांट्स हैं। सही बन गया अंदर देखो। और ये इच्छा कर रही है यहाँ पे एंजॉय अपनी मम्मा के साथ। भूखी भी लग गई इसको। और यहाँ पे साथ में गार्डन एरिया भी है। तो यहाँ से आने के बाद इस साइड पे हमें जाना है, और ये यहाँ पे एक और मैप लगाया हुआ है बर्ड पार्क नेचर ट्रेल राशी वाटिका कैफेटेरिया एग्जिट, ये सारा कुछ इस साइड पर ही है। काफ़ी सारी अलग अलग टाइप्स की वाटिका बनी हुई है यहाँ पे, बेसिकली गार्डन ही है, वैसे पार्क ही हो। गार्डन है, ऑर्गेनाइज किया हुआ काफ़ी अच्छे से। इधर अकेन एक, और ये लोग भी हैं हमारे साथ में घूमने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे, और ये आ गई है यहाँ पे राशी वाटिका। अलग अलग नाम दिए गए हैं, किसी को राशी वाटिका, किसी को कुछ और है ना, यहाँ पे राशियों के नाम अलग अलग टाइप के प्लांट्स है राशि के हिसाब से, लिब्रा विर्गो स्कॉर्पियन, डिजाइन अलग अलग हैं बस सबके। सारे गार्डन वो राउंड था, ये थोड़ा ट्रायंगल शेप में है, उससे पहले वो सर्कल में था। इस साइड पे ये है इसका टिकट काउंटर, इधर से है एंट्रेंस, यहाँ से अपने को जाना है अंदर, और जाने से पहले टिकट ले लेते हैं और प्राइस चेक कर लेते हैं टिकट का कितना प्राइस है। सो गाइज ये है इसका टिकट काउंटर, और इसकी प्राइस लिस्ट इन्होंने लगा रखी है, अडल्ट के लिए 50, और चिल्ड्रंस के लिए बिलो 5 to 12 के लिए है 30 rupees, और 5 साल से नीचे वाले फ्री। सो गाइज अभी एंटर करते हैं इस न्यू बर्ड पार्क के अंदर।